हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंड डिफेंस एकेडमी पर। तो भैया, जो रनिंग की ट्रिक है, टिप्स हैं, उनके वीडियोस मैं कल से लाना स्टार्ट करूंगा। आज आपको पहले बता देता हूं खाना पीना, डाइट के बारे में बता देता हूं कि कैसे आपको क्या खाना है ताकि आप अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाओ अपनी रनिंग के लिए। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले राम राम, शुरुआत करते हैं वीडियो। और हाँ, बेस्ट वीडियो जो मैंने बनाया था जूतों को लेके और आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम थी उसको लेके, तो वो वीडियो अगर देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लो जाके तुरंत। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। देखो, अगर हम एक एक मील बना के लाएं और खा के बताएं फिर सामने से करें तो वो यार बहुत ज़्यादा आपको गड़बड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता जाऊँगा, सामने आपको एक फ़ोटो मिल जाएगी, उस तरीके से आपको बनाना है और उस तरीके से आपको खाना है। सबसे पहले हम सुबह उठेंगे तो उठते ही पहले तो हमें काम ये करना है कि एक गिलास गर्म पानी में नींबू शहद ज़रूर पीना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी देगा, बहुत अच्छी ताकत देगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ज़रूर करना है, क्या करना है काम, सुबह उठते नींबू शहद ज़रूर पीना है। ठीक, उसके बाद आप जाएंगे फ्रेश होने। फ्रेश होने के बाद अगर जो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम एक प्रॉपर इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, चने का पानी। ठीक है, चने का पानी कैसे हो, क्या करना है मैं आपको बता दूंगा बाद में। चने का पानी सुबह आधा या एक गिलास ज़रूर करना है जैसे ही आप फ्रेश होकर आते हो। उसके साथ आपको लेनी है 5 किशमिश, 4 बादाम। बादाम अगर नहीं है तो रहने दो आप, लेकिन 4-5 किशमिश ज़रूर ले लेना और उसके साथ चने का पानी। ये आपको, अगर ये उनके लिए है जो सुबह रनिंग करने जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छी एनर्जी देगा ग्राउंड पर जब आप रनिंग कर रहे होगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बता रहा हूँ, सुबह चने का पानी और किशमिश। ठीक है, अब चलते हैं जब आप रनिंग से होके आए तुरंत। तो जो रनर है उनके लिए तो रामबाण होता ही हमारा चना, जो कि सबको खाना चाहिए। और एक काम करना यार कि चने के साथ सोयाबीन का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। चना, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अगर आपके पास, देखो यार हम समझते हैं किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, अगर बादाम नहीं खा पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, मूंगफली खा लो। ठीक है, मूंगफली खा लो, अगर बादाम ले सकते हो तो डेली ज़रूरी नहीं 20 बादाम खाओ, 4-5 बादाम डेली खाओगे चल जाएगा काम। ठीक, चने, मूंग, हरियाली जो मूंग आती है, मूंगफली, बादाम, इनको सबको रात में भिगो के रखो। चना अलग भिगो के रखना, तभी आप सुबह उसका पानी पी पाओगे, बाकी चीज़ें अलग। ठीक है, तो इनको सबको लेके आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा, तो वो जरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताई अभी तक और सबसे अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये चना वना तो सब बताते रहते हैं भाई। तो ये हो गया आपका सुबह का स्प्राउट्स, बढ़िया अच्छा खासा। ठीक है, चना, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन, उसके साथ एक गिलास भर के दूध। अगर आप अश्वगंधा ले सकते हो तो आधा चम्मच अश्वगंधा ज़रूर ट्राई करो, उसके साथ ज़रूर लेना आधा चम्मच अश्वगंधा। अगर आप मेरा होममेड प्रोटीन पी रहे हो ये वाला, ठीक है, अगर ये पी रहे हो तो उसके बाद आपको दूध में कुछ डालने की जरूरत नहीं, बस 1 चम्मच होममेड प्रोटीन आपको डालना है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके साथ अगर आप बादाम वादाम नहीं खाते हो तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और जिनको चाहिए सामने नंबर है, व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुबह का नाश्ता हो गया। अब हम चलते हैं सुबह से लेकर दोपहर के लंच के बीच में। एक चीज़ यही, देखो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, रनिंग अगर कर रहे हो, ये प्रॉपर रनिंग के लिए चैनल है, डिफेंस के लिए चैनल है, तो हम वही बातें बताएंगे जो एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको क्या, देखो विटामिन सी जो होता है आपकी रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया, आपका स्टैमिना बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन सी। तो दोपहर में 10-11 बजे के करीब चाहे एक गिलास आप मौसम्बी का जूस पी लो, चाहे 1-2 संतरा खा लो। मेरे हिसाब से तो मौसम्बी का जूस पियोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शायद 20 रुपये या 15 रुपये का गिलास मिलता है, इतना खर्चा कर सकते हो हमें पता है। ठीक है, तो एक गिलास मौसम्बी का जूस जरूर पी लो। किसी के यहाँ नहीं, अगर गाँव में भाई लोग हैं तो वो लोग संतरा खा के काम चला सकते हैं, संतरे में भी मिल जाएगा, लेकिन मौसम्बी ज़्यादा स्टेमिना बढ़ाता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने लंच की तरफ। तो लंच में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रखना है, और जो लोग कहते हैं चावल खाने से सांस फूलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 रोटी 3 रोटी जितना भी आप खाते हो, थोड़े से चावल, दाल, कोई भी जो भी सब्जी आपके यहाँ बनी हो। अब एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यार, कोशिश किया करो कि पनीर तो जब भी खा पाओ तो पनीर, छोला, राजमा जब भी ट्राई करना चाहो तो ज़रूर खाओ, वो तो ज़रूरी है। लेकिन सोयाबीन आप लोग ला के रखो। ठीक है, सोयाबीन जो छोटी वाली आती है वो ला के रखो, और थोड़ी सी सोयाबीन जो भी आपके यहाँ सब्जी बनी हो, आलू, मटर, टमाटर जो भी बनी हो, उसके अंदर थोड़ा सा सोयाबीन ज़रूर ऐड कर दो। इससे होगा क्या, इससे हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हमारी बॉडी में पहुँच जाएगा।
ये हो गया सब्जी, दाल, चावल, रोटी, उसके साथ 2 से 4 चम्मच दही जरूर लो। दही क्या करेगा, आपके पेट को ठंडा करेगा और आपकी जो भी आपकी जो दौड़ते समय उलझन होती है ना कि पेट में जलन हो रही, वो सब नहीं होगी। अब बात करते हैं सलाद की। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ इनमें इतना ज़्यादा कुछ पैसा नहीं खर्च होना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। घर की ही चीज़ें सब, चुकंदर जरूर ऐड रहेगा, टमाटर, चुकंदर टमाटर आपको डेली खाना है, बाकी आप जो ऐड करना चाहो वो कर सकते हो। चुकंदर भैया 20 रुपये का आधा किलो मिल जाता है, जिसमें कि 3 से 4 चढ़ते हैं, 4 दिन चलते हैं। तो चुकंदर डेली एक चुकंदर खाना है, इतना तो समझ लो कि डेली एक चुकंदर रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग दोपहर से लेकर शाम तक, उसके पहले जब आप रनिंग करने जाते हो शाम को, उसके 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले खाना है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जो लोग अंडे खाते हैं वो लोग 2 से 3 अंडे खाएंगे, जो लोग अंडे नहीं खाते उनको क्या करना है, दलिया होता है, दलिया बनाओ आप अपना, उसमें क्या करो, प्याज, टमाटर, मटर, जो भी आपके यहाँ सब्जी है वो सब डाल के थोड़ा सा मैगी मसाला डाल के बेहतरीन बना लो, और थोड़ा सा दलिया बना के रनिंग, शाम को रनिंग के 2 घंटे पहले खाना। इससे होगा क्या, जब रनिंग करोगे तो बढ़िया अच्छी खासी ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी। और हाँ, सुबह जब चने वने कहा था तो उसके साथ केला जरूर ऐड कर लेना, मैं भूल गया, केला जरूर ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करना है उसके बाद, दलिया, ठीक है, दलिया खाना है, दलिया को ऐसे बना लो। अगर दलिया आप अगर ओट्स खरीद सकते हो तो बहुत बढ़िया यार, ओट्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ओट्स खरीद के खा लेना। ओट्स स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। ओट्स को भी आप दलिया के तरीके बना सकते हो, जो लोग अंडे खाते हैं वो लोग भी दलिया खाएं, उसके साथ 2 अंडे खा सकते हैं, 2 अंडे से फुल एग 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रनिंग के शाम को जो रनिंग हो रही है उससे 2 घंटे पहले। दलिया ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, दलिया जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग के आधे घंटे पहले, तो रनिंग के आधे से 45 मिनट पहले, आधा घंटा नहीं 45 मिनट पहले आपको एक केला खाना है। एक केला खाना है तो क्या होगा कि वो भरपूर एनर्जी आपको रनिंग के दौरान देगा, एक केला आप वो खाओगे। और रनिंग से पहले अगर आप हो सकता है तो ब्लैक कॉफ़ी पी के चले जाओ, जब रनिंग जा रहे हो तुरंत घर से पहले, और ब्लैक कॉफ़ी भी इतना ज़्यादा यार महंगी नहीं मिलती है, तो एक कप ब्लैक कॉफ़ी पी के जाओ रनिंग करने, आराम से रनिंग में स्टेमिना भी मिलेगा, स्पीड भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब हो गया हमारा रनिंग तक का शेड्यूल, ठीक है। अब देखो लास्ट में हम एक चार्ट लगा देंगे, उसमें सब कुछ लिख देंगे, आप लोग समझ जाओगे। अब बात करते हैं जब रनिंग से हो के आए तब क्या करना है। रनिंग से जब आप हो के आए तो 10 मिनट बाद, रनिंग से 10 मिनट बाद आपको एक ग्लूकोन डी पीना है, 2 चम्मच ग्लूकोन डी आपको पानी के साथ पीना है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी बॉडी से जा चुका होता है और आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए बढ़िया सा कार्ब्स ग्लूकोज के तौर में चाहिए होता है, तो वो आपको देगा ग्लूकोन डी। और ग्लूकोन डी के बाद आपको पीना है, खाना है एक केला। क्या करना है, एक केला खाना है, ठीक है, एक केला खाना है। और जो लोग अंडे खाते हैं वो 2 अंडे खा सकते हैं इसके साथ। अब बात करते हैं हम अपने डिनर की, जो शाम का खाना है। वैसे तो यार रात में जो होता है वो हमारा पनीर बहुत सही चीज़ होती है कि प्रोटीन के लिए बहुत सही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ डेली जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं भाई डेली पनीर नहीं खा सकते, हमें पता है क्योंकि हम भी उस सिचुएशन से गुजरे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, मूंग की दाल होती है शाम के लिए, मूंग की दाल बना के रखो, अरहर की दाल मत खाओ, मूंग की दाल, क्योंकि अरहर की दाल हो सकता है आपको पेट की गैस टाइप प्रॉब्लम हो सकती है शाम के समय, ठीक है। तो आप क्या करो, मूंग की दाल जो होती है मूंग की दाल खाओ, रोटी सिर्फ 1-2 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ चल जाएगा, चावल मत खाना, ठीक है, चावल नहीं खाना, 2 रोटी, दाल और सब्जी वब्जी कुछ नहीं लेनी है। सब्जी अगर पनीर हो तो आप ले सकते हो, वरना नहीं, केवल दाल रोटी, उसके साथ 1-2 खीरा, 1 या 2 खीरा आपको रात में खाना है। इतना आपने खा लिया, ठीक है, 1 से 2 खीरा, दाल और रोटी। अब बात करते हैं सोने से आधे घंटे पहले की, तो आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, अब मैं वही चीज़ बताने जा रहा था। अंजीर आप ला के रखो, भले से गर्मियाँ आ गई हैं कोई दिक्कत नहीं है, अंजीर आप ला के रखो, 2 अंजीर सुबह 1 कटोरी दूध, गर्म दूध में डाल दो और शाम तक उनको ऐसे ही होने दो, जब रात में सोने जाओगे तो वो 2 अंजीर और वो 1 कटोरी दूध आपको आधा चम्मच हल्दी डाल के पीना है और उसके बाद सो जाना है। सुबह जब आप रनिंग करने जाओगे यकीन मानो एनर्जी की प्रॉब्लम तो रहेगी ही नहीं, कि आपको एनर्जी की प्रॉब्लम है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही या कुछ नहीं हो रहा है। तो ये था पूरा वीडियो आपकी डाइट के लिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। शुरुआत से एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, नींबू पानी और शहद पीना है, जिसके बाद फ्रेश होने जाना है, फ्रेश होने के बाद चने का पानी, चने के पानी के साथ 5 किशमिश आपको खा के दौड़ रनिंग के लिए जाना है, चाहो तो आप केला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप रनिंग से वापस आते हो तो आपको चना, मूंगफली, बादाम और 1 केला, 1 गिलास दूध, जिसमें कि आधा चम्मच अश्वगंधा और या तो फिर हमारा 1 चम्मच होममेड प्रोटीन,
उसके बाद आपको 2 से 3 घंटे बाद लगभग 10 से 11 बजे एक संतरा या मौसमी का जूस पीना है। दोपहर के खाने में 2 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उसके साथ दही और चुकंदर और टमाटर सलाद के रूप में। रनिंग से शाम को रनिंग के 2 घंटे पहले आपको दलिया या ओट्स मसालेदार बना के उसके साथ 2 अंडे आपको खाने हैं, अगर आप खाते हो तो, नहीं खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और रनिंग से आधे घंटे पहले 1 केला और रनिंग के तुरंत पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। जब रनिंग से वापस आते हो तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो 2 अंडे ट्राई कर सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग 1 केला और 2 चम्मच ग्लूकोन डी 15 मिनट बाद ज़रूर लें। उसके बाद रात के खाने की अगर बात करें तो 2 रोटी मूंग की दाल के साथ, अगर आपके यहाँ पनीर बना है तो मूंग की दाल को रिप्लेस कर दो पनीर के साथ। रात में जब सोने जाते हो उसके आधे घंटे पहले 1 गिलास दूध जिसमें कि 2 अंजीर सुबह भिगोई हुई थी, वो 2 अंजीर के साथ वो दूध, और उसमें 1-2 बूंद शिलाजीत रथ के। तो ये था पूरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, प्यार मोहब्बत गालियाँ सब दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।